हेलो फ्रेंड्स, विशांत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चॉकलेट कैरेमल ब्राउनी की रेसिपी, एगलेस बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डबल बॉयलर हमने रेडी कर लिया है। तो उस डबल बॉयलर में हम डालेंगे यहाँ पे डार्क कंपाउंड, इसमें डालेंगे दूध और साथ में डालेंगे घर का बना हुआ मक्खन। यहाँ पे हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चॉकलेट में और चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम निकालेंगे बाहर और इसको ठंडा कर लेंगे। ये ठंडी की हुई चॉकलेट डालेंगे हम किसी बड़े बाउल के अंदर, तो ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, रूम टेम्परेचर पर आ जानी चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, साथ ही में डालेंगे चीनी पिसी हुई, कोको पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इन सभी को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे किसी स्पैचुला की सहायता से या फिर आप विस्कर की सहायता से हल्के हल्के हाथों से मिक्स भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, बैटर अच्छे से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर हमारा लगभग रेडी हो चुका है और बैटर इसका पतला नहीं रखना है हमें, ज़्यादा इस तरह का रखना है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप का एल्यूमिनियम का इस तरह का केक टिन लिया है और इसमें हमने बटर लगा कर इस पर अंदर बेकिंग पेपर लगा दिया। आप चाहे तो इसके किनारों पर भी लगा सकते हैं बेकिंग पेपर, मैंने इसको ग्रीस कर दिया है बस। अब इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं हम सारा केक का बैटर या ब्राउनी का बैटर, इसको 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे। तो ब्राउनी जब बेक हो जाए तो इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक हमारी ब्राउनी यहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ पे हम कैरेमल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैरेमल सॉस बनाने के लिए एक पैन में मैंने इस तरह 3/4 कप यहाँ पे चीनी डाली है और एकदम लो फ्लेम पर इसको रख दिया इस तरह फैलाकर, और धीरे धीरे इसको हमें कैरेमलाइज होने देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह धीरे धीरे कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे बीच में से सेंटर में से कहीं से डार्क होना शुरू हो गया, तो आप इसको स्पैचुला से इस तरह चला दें और धीरे धीरे आप देखेंगे चीनी मिक्स होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, एकदम लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, तो 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। तो बटर इसके अंदर डाल दिया है। तो बटर डालने से क्या होता है, जब भी इसके अंदर हम दूध या फिर कोई क्रीम डालेंगे तो ये चीनी जो है जमेगी नहीं। तो यहाँ पे बटर अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क। तो यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मिल्क का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बटर डालने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे चीनी जो है जमी नहीं वापस। तो इस तरह इसको लगातार मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे लगभग जब तक इसके बबल्स कम हो जाए तब तक इसके पकाना है। तो यहाँ पे ये पका लिया इसको हमने अच्छे से। अब इस सॉस को हमें छान लेना है छलने के द्वारा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब आपकी कैरेमल सॉस अच्छे से ठंडी हो जाए तब हम ब्राउनी का ये प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउनी को हम निकाल लेंगे बाहर, इसके किनारों को इस तरह अलग कर लेंगे और किसी प्लेट में इस तरह ब्राउनी को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह पलट देंगे और टैप कर देंगे ऊपर से हल्का सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउनी निकल चुकी है बाहर और इसका बेकिंग पेपर जो हमने लगाया था उसे भी हटा देंगे। तो बेकिंग पेपर हटाने के बाद ब्राउनी को हम पलट लेंगे। तो ब्राउनी को पलट लिया है और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है अब अच्छे से। जब ब्राउनी अच्छे से ठंडी हो जाए, यहाँ पे हमारे कैरेमल सॉस भी अच्छे से ठंडी हो जाए, तो यहाँ पे अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसको रेडी करने का। तो ब्राउनी के ऊपर डालेंगे हम यहाँ पे ठंडी की हुई एकदम कैरेमल सॉस और यहाँ पे किसी स्पैचुला की सतह से इस तरह हम इसको फैला देंगे। तो अच्छे से हमें चारों तरफ ब्राउनी के ऊपर इस सॉस को फैला देना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चारों तरफ हमने यहाँ पे सॉस फैला दी है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी मेल्टेड की हुई डार्क कंपाउंड, तो थोड़े से दूध के साथ इसको मैंने मेल्ट कर लिया था और ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने चॉकलेट भी डाल दिया। अब इसको एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए इसके ऊपर हम डाल देंगे चोको चिप्स और इसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। तो यहाँ पे ब्राउनी हो चुकी है हमारी रेडी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको करेंगे हम कट। तो इसको कट करने के लिए आप इस तरह मैं ब्रेड नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्राउनी को हम इस तरह स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 पीसेस में मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो ब्राउनी को कर लिया है मैंने कट। तो चलिए अब यहाँ पे ब्राउनी के पीसेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने व्हाइट प्लेट ली है, इसके ऊपर हम मेल्टेड इस तरह डार्क चॉकलेट डाल देंगे, इस तरह डिज़ाइन बना देंगे थोड़ी सी, जैसी आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया चॉकलेट। तो इसके ऊपर रखेंगे हम 2 ब्राउनी के पीस, तो एक के ऊपर एक रख देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर अब डालेंगे हम यहाँ पे कैरेमल सॉस, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार लगेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने कैरेमल सॉस डाल दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह गिरती हुई नीचे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में।